वेलकम डियर स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो राही असी एच टी एम एल टेबल टैग का इस्तेमाल करना सीखांगे। टेबल टैग का इस्तेमाल करके असी अपने वैब पेज के टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सो पिछलियां क्लासेस में तुसी टेबल बारे जरूर पढ़िया होगा, पर इस तो पहले कि मैं तुहानू टेबल टैग का इस्तेमाल करना सिखावा, तुहानू मैं टेबल की एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना है। इतने मैं पहला तो ही एक वैब पेज तैयार किया हुआ है जिस दे विच मैं एक टेबल तैयार किया है। इस टेबल दीयां तीन रो ते तीन ही कॉलम हैं। तुसी जानते ही होवोगे कि खब्बे तो सज्जे पासे नूं जाण वालियां लाइनां नूं असी रो कहिंदे हां ते उपर तो हेठां आउण वालियां लाइनां नूं असी कॉलम कहिंदे हां। इस तों इलावा जिथे एक रो ते कॉलम आपस विच कटदी है उस नूं असी सैल कहिंदे हां। सो हुण असी सिखदे हां कि असी HTML दे विच किस तरीके नाल टेबल टैग नूं यूज करके अपने वैब पेज दे विच असी एक टेबल तैयार कर सकते हैं, तो किस तरीके नाल इन्हां रोज़ नूं तैयार करना है, किस तरीके नाल इन्हां रोज़ दे विच डाटा एंटर करना है। असी अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर चले जाते हैं। तो एक वैब पेज तैयार करने लई सानूं एक बेसिक टैक्सट एडिटर की जरूरत पैगी। मैं इत्थे नोटपैड ओपन कर लिया है, तो इत्थे मैं एक बेसिक HTML डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। जो बेसिक HTML डॉक्यूमेंट होंगे है वह बेसिक टैग यूज होंगे जिमें कि HTML हैड टाइटल बॉडी। सब तो पहले मैं तुहानूं दस दवां कि टेबल तैयार करने के लिए असी कि टैग यूज करने हैं। सब तो पहला टैग असी यूज करना है टेबल, उस तो बाद रो क्रिएट करने के लिए असी TR टैग यूज करना जिसका नाम है टेबल रो, और टेबल की रो के डाटा एंटर करने के लिए असी TD टैग यूज करना है जिसका मतलब है टेबल डाटा। अच्छा, तुम इतने एक होर गल नोट करो कि जो भी असी कोई टेबल तैयार करते हैं तो उसकी जी पहली रो होंगी उस जो भी डाटा लिखा होंगे वो उस कॉलम की हैडिंग होंगी है। जिवें तुसीं इत्थे देख सकते हैं कि यह इनपुट डिवाइस जी है एक हैडिंग हैगी है, इस तों अलावा आउटपुट डिवाइस ये भी हैडिंग है, स्टोरेज डिवाइस ये भी हैडिंग है। तो जी हैडिंग हैगी है बाकी टैक्सट के नालों थोड़ा जिहा बोल्ड टैक्स है, थोड़ा जिहा अलग दिखाई दे रहा। सो असी टेबल के हैडिंग तैयार करने के लिए TH टैग यूज करते हैं। सो इतने तुम देख सकते हैं कि असी सेम बिल्कुल इसी तरह का ही एक टेबल तैयार करा। सो फिलहाल जो मेरा एक इतने डॉक्यूमेंट है उस कोई भी टेबल टैग यूज नहीं किया है। सो आप इस डॉक्यूमेंट में शुरुआत करते हैं। सब तो पहला आप जो टैग यूज करना वो है टेबल। इस तो अलावा असी नाल दी नाल इस टेबल टैग नूं बंद भी कर देना क्योंकि ये एक कंटेनर टैग है। इस तो अलावा हुण असी इस रो क्रिएट करने के लिए एक टैग यूज करना है TR, तो नाल ही असी इस TR टैग नूं असी बंद भी कर देना है। हुण इस दे विच असी हरेक रो दे विच डाटा एंटर करन दे लई TD टैग यूज करना है। सब तो पहला मैं तुहानूं इस टैग नूं यूज करके दिखा देना है। TD एक ही रो आपां क्रिएट करांगे जिस दे विच मैं लिख देना है कीबोर्ड, ते नाल ही असी इस TD टैग नूं बंद भी कर देना है क्योंकि ये भी एक कंटेनर टैग है। असी इस दे विच तीन कॉलम तैयार करांगे। आ असी दूसरा कॉलम तैयार कर रहे हैं, हुण असी इस दे विच एक होर कॉलम तैयार कर लैने हैं। इत्थे तुसी देख सकते हैं कि मैं टेबल की एक रो तैयार करनी हैगी है। सो एक रो तैयार करने लई सब तो पहले असी की किया है टेबल टैग नूं यूज किया है, तो इत्थे असी टेबल टैग नूं बंद करना है। सो जिन्नियां भी रो हुण असी क्रिएट करनियां हैगियां, आ एक रो क्रिएट करने लई असी TR टैग यूज किया है, तो इत्थे TR टैग नूं बंद कर लिया। हुण एक रो दे विच जिन्ने भी कॉलम तैयार करने हैगे आ उन्नी वारी तुसी TD टैग नूं यूज़ कर लेना, तो उस दे नाल ही डेटा नूं एंटर कर लेना हैगा। सो असी हुण इस सिंपल एक रो नूं असी रन करके देखते हैं। रन करने लई सब तो पहले इसनूं सेव करना पएगा। सेव एज़ ते क्लिक कीता, इत्थे असी इसका नाम दे देने हैं यूज ऑफ टेबल .html। सो इत्थे असी इसका नाम दे दिता है यूज ऑफ टेबल टैग .html। डॉट पाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जेकर तुसी डॉट नहीं यूज़ करोगे तो यह एज ए वैब पेज सेव नहीं होएगा। सो असी इसनूं इत्थे सेव बटन ते क्लिक करके सेव कर लिया है। हुण असीं डैस्कटॉप ते जाके देखदे हां, तो इत्थे तुसीं देख सकते हैं कि साडा एक वैब पेज तैयार होया है। जिस तरह ही मैं इस उत्ते डबल क्लिक करके इसनूं ओपन कीता है, तुसीं देख सकते हैं कि साडे सामने एक रो क्रिएट हो गई हैगी है जिस दे विच पहला टैक्सट लिखा हुआ है कीबोर्ड, दूसरा टैक्सट है मोनीटर, और तीसरा टैक्सट है हार्ड डिस्क ड्राइव। सो इत्थे तुसीं देख सकते हैं कि यह जी एक टेबल तो तैयार हो गया है, पर टेबल का जिहड़ा बॉर्डर हैगा है जो कि टेबल की एक लुक दिखाता है वह बॉर्डर इतने नहीं आया है। तो टेबल का बॉर्डर शो करने लई इत्थे एक असी एट्रीब्यूट यूज करना है, उसके बारे मैं तुहानूं बाद में दसांगा। पर सब तो पहला असी इत्थे एक टेबल की हैडिंग इंसर्ट करनी हैगी है, तो एक रो असी इहदे विच होर इंसर्ट करनी हैगी है। सो एक हैडिंग ते एक रो इंसर्ट करन दे लई असी इत्थे दोबारा तो असी अपने नोटपैड दे विच चले जांदे आ, क्योंकि जिहड़ी हैडिंग हैगी है वह इस रो तो उपर शो करनी हैगी है, इसलिए मैं इत्थे इसनूं एंटर करके हेठां इसनूं कर दिंदा हाँ। तो इत्थे असी एक रो होर क्रिएट कर लैंदे आ, टेबल दी एक होर रो क्रिएट करन दे लई TR टैग असी यूज़ करना। सो क्योंकि हुण असी इहदे विच कॉलम दी हैडिंग लिखण जा रहे हैं इसलिए असी इहदे विच TD टैग नहीं यूज़ करना, हुण असी इत्थे TH टैग यूज़ करना क्योंकि असी टेबल दे जिहड़े कॉलम हैगे आ उसकी हैडिंग लिखनी हैगी है। सो सब तो पहला मैं इत्थे लिख देना हैगा इनपुट डिवाइस, ते नाल दे नाल इस TH टैग नूं बंद कर दिंदे आ क्योंकि ये भी एक कंटेनर टैग हैगा। इस तों इलावा साडा जिहड़ा सैकंड कॉलम हैगा उसका नाम असी रख देना हैगा आउटपुट डिवाइस, इस नूं भी असी TH टैग दे विच ही टाइप करना हैगा, ते TH टैग नूं असी इत्थे बंद भी कर लेना हैगा। इस तों इलावा तीसरा जिहड़ा कॉलम हैगा वह हैगा साडा स्टोरेज डिवाइसिस का। सो असी एक होर TH टैग यूज़ कर लिया,
इतने असी स्टोरेज डिवाइसिस लिख दिता तो नाल असी टी एच टैग में असी इतने बंद भी कर दिता। सो तुसी इतने देख सकते हैं कि मैं हुण इतने दो रो क्रिएट कर लिया है। पहली रो जिहड़ी हैगी आ उहदे विच टेबल दे जिहड़े कॉलम हैगे उन्हां दी हैडिंग दित्ती हुई है, तो दूसरी जिहड़ी रो हैगी आ उसके जी सैकंड रो असी क्रिएट की हैगी है वो असी ये डाटा एंटर किया हुआ। सो मैं इसमें कंट्रोल एस दबा के सेव कर लैना है। तो दोबारा तो असं हम डैस्कटॉप पर जाते हैं तो इतने साढ़े को जरा असी वैबपेज तैयार किया तो डबल क्लिक करके जो इसमें ओपन करके देखिए तो तुम देख सकते हैं कि साढ़े को टेबल के दो रो क्रिएट हो गई हैं। जी पहली रो हैगी है टेबल के कॉलम की हैडिंग हैगी है, जिमें कि इतने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये इतने स्टोरेज डिवाइस हैगी है। इस तो अलावा इतने असी डेटा एंटर किया हुआ है कीबोर्ड मोनीटर तो हार्ड डिस्क ड्राइव। हुण तुसीं इत्थे देख सकते हैं कि असी टेबल दे विच कोई भी बॉर्डर नहीं लगाया होया, यानी कि टेबल दी जिहड़ी लाइनस हैगियां उह सानूं इत्थे शो नहीं हो रहियां, जिस कारण इसनूं पढ़न दे विच ते इहनूं देखण दे विच सानूं थोड़ा जिहा अजीब लग रहा हैगा। सो असी इहदे विच की करना हैगा, हुण टेबल दा जिहड़ा बॉर्डर लाइन हैगी आ उह असीं इत्थे इनसर्ट करनी है। उसनूं इनसर्ट करन लई असीं इत्थे इक एट्रीब्यूट यूज करना हैगा। एट्रीब्यूट जिहड़ा हैगा उह टेबल दे ओपनिंग टैग विच यूज करना है। असीं एट्रीब्यूट दा नाम है बॉर्डर, बॉर्डर टाइप करके बराबर का सिंबल पा के इतने असी एक टाइप कर देने तो कंट्रोल एस दबा के जो इसी सेव किया दोबारा तो डैस्कटॉप से जाके अपने वैबपेज जो असी ओपन किया तो तुसी देख सकते हैं कि साडा जिहड़ा टेबल हैगा आ उसकी जिहड़ी बॉर्डर लाइन हैगी आ वह आ गई हैगी आ। हुण असी इत्थे एक होर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं जिसकी मदद नाल असी टेबल के बॉर्डर नूं कलर भी दे सकते हैं। सो टेबल के बॉर्डर नूं कलर देने के लिए असी जो एट्रीब्यूट यूज करना है वह है बॉर्डर कलर, बराबर का सिंबल पा के असी इतने ग्रीन टाइप कर देने। सो इसमें असी कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया तो दोबारा तो जो तुम अपने वैबपेज में ओपन किया तो तुम इतने देख सकते हैं कि साडा जो टेबल हैगा उसका जो बॉर्डर कलर हैगा वो ग्रीन कलर का हो गया। सो हुण इतने कुछ एक होर एट्रीब्यूट असी यूज करने हैगे आ, तुम ये देख सकते हैं कि जो टेबल हैगा आ वो लैफ्ट साइड से हैगा। जेकर असी अपने टेबल नूं बिल्कुल ही सेंटर दे विच लिआउणा चाहुंदे आ तो सब तो पहला असी इतने एक एट्रीब्यूट यूज करना है अलाइन, तो इतने बराबर का सिंबल पा के असी इतने टाइप कर देना सेंटर, कंट्रोल एस दबा के असी इसनूं सेव कर लिया। तो इसमें जिदा ही असी दोबारा तो वैबपेज में ओपन किया तो हुण असी दोबारा तो वैबपेज में ओपन करते हैं तो तुसी इत्थे देख सकते हैं कि साडा जिहड़ा टेबल हैगा आ उह वैबपेज के बिल्कुल ही सेंटर दे विच आ गया हैगा। सो हुण तक असी जो जो मेन गल्लां सीखियां हैगियां उसनूं मैं एक बार रिपीट कर देना। सब तो पहला असी एक टेबल तैयार किया, टेबल तैयार करने लई असी टेबल टैग नूं यूज किया, टेबल टैग नूं इत्थे असी बंद भी कर लिया। तो टेबल दे विच एक रो क्रिएट करन दे लई असी टी आर टैग नूं यूज किया, टी आर टैग इतने ओपन किया तो इतने असी टी आर टैग बंद भी कर लिया। तो टेबल की रो के जिन्हें भी असी कॉलम बनाने हैं उन्नी बारी असी टी डी टैग यूज करना है। टी डी टैग यूज करके असी कोई भी डाटा जरा एंटर कर सकते हैं तो डाटा जो भी असी एंटर करा वो टेबल के जाके इनसर्ट हो जाएगा। इस तो अलावा टेबल का जरा कॉलम हों उसकी जी पहला सैल हों उस असी जो भी डाटा लिखते हैं वो टेबल की हैडिंग उस कॉलम की हैडिंग बन जाती हैगी है। तो उस कॉलम की हैडिंग तैयार करने के असी टी एच टैग यूज करते हैं तो तुम इतने देख सकते हैं कि असी तीन टी एच टैग यूज किए हुए हैं। हुण मैं एक कॉलम तुहानू इत्थे होर बना के दिखा देना है, असी इतने एक होर टी एच टैग यूज कर लेने तो मैं उस कॉलम का नाम रख लेना है अदर। हुण मैं इतने अदर टाइप कर देना, इसनू टी एच नू मैं बंद भी कर दिता। तो एक असी क्योंकि कॉलम होर बनाया है इसलिए सैकंड रो के भी असी एक जो कॉलम है वह होर बना देना है। सैकंड रो के असी एक होर कॉलम बनाने के लिए इतने टी डी टैग में यूज करना है, इतने असी प्रिंटर टाइप कर दें, इस टी डी टैग में मैं बंद भी कर दिना। हूँ इसमें जो मैं कंट्रोल एस दबा के सेव किया तो दोबारा तो असी वैबपेज में ओपन करते हैं, वैबपेज में ओपन कर लिए इतने मैं दोबारा तो क्लिक कर देना। तो जिदा ही मैं वैबपेज में ओपन किया तो इतने देख सकते हैं कि एक कॉलम नवा होर इतने ऐड हो चुका है जिस दे विच असी टेबल की हैडिंग दिती हैगी अदर, तो टेबल का जो डेटा हैगा वह है प्रिंटर। सो हुण असी एक एट्रीब्यूट होर यूज करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज हुंदा है, वह है विड्थ। जो विड्थ एट्रीब्यूट है वह टेबल की चौड़ाई निर्धारित करता है। असी अपने टेबल की जी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं विड्थ एट्रीब्यूट में यूज करके, विड्थ एट्रीब्यूट में यूज करने इतने असी विड्थ टाइप कर दिता तो इतने बराबर का सिंबल पा के असी डबल कॉमा के इतने असी साइज जोड़ा है दस देना है। असी इतने मैं इतने 45% टाइप कर लेना। सो 45% टाइप करने तो बाद कंट्रोल एस दबा के इसमें सेव कर दिता तो नाल ही जिवें ही मैं इस दोबारा अपने वैबपेज में ओपन किया तो तुम इतने देख सकते हैं कि जो टेबल हैगा उसकी जी विड्थ हैगी है वह घट गई हैगी है, उसनों असी विड्थ एट्रीब्यूट की मदद नाल कंट्रोल कर लिया है। सो इतने तुम एक बार फिर तो दोबारा देख लो कि टेबल बनाने के लिए टेबल टैग में सब तो पहले असी यूज करना है तो उस जो एट्रीब्यूट यूज करने है सब तो पहला एट्रीब्यूट है बॉर्डर, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट की मदद नाल असी इहदे विच टेबल का बॉर्डर सैट कर सकते हैं, तो बॉर्डर कलर की मदद नाल असी बॉर्डर का कलर डिसाइड कर सकते हैं,
अलाइन एट्रीब्यूट की मदद असी टेबल की वैब पेज के अलाइनमेंट कर सकते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट यूज करके असी टेबल की जी विड्थ हैगी उसनू डिसाइड कर सकते हैं। तो एक रो क्रिएट करने असी टी आर टैग में यूज़ करना, तो उस टी आर टैग के जिन्हें भी तुम टी डी टैग यूज करी जाओगे उन्ने ही उस कॉलम तैयार हो जाने है। सो ये तो असी बच्चों अज की वीडियो जिस असी अपने वैब पेज के टेबल तैयार करना सीखा है। सो अगली वीडियो के सीखांगे कि तुम किस तरीके सैल स्पेसिंग सैल पैडिंग यूज कर सकते हैं, टेबल की बैकग्राउंड किस तरीके चेंज कर सकते हैं। सो अज की वीडियो के जेकर कोई भी सवाल है, कोई भी गल तुहानू समझ नहीं लगी हैगी, तो तुम मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस दियो। इस तो अलावा इस वीडियो में ज्यादा तो ज्यादा शेयर करो, लाइक जरूर करो, तो जेकर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर करो, तो बैल आइकन भी दबा लो, क्योंकि इस तरह करने मेरिया आने वाली वीडियोस मिलती रहनगियां। तो अज की इस वीडियो के लिए इन्ना ही, जल्द ही मिलते हैं HTML की किसी नवी वीडियो के साथ। तद तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल।